मुझे लग रहा है शाहजहां के जाने के बाद एक और शाहजहां आया होगा जिसने ताजमहल को रिकंस्ट्रक्ट कराया है। इतना मतलब साला नया नया कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। इतने बैरिकेड्स थे ही नहीं, अगला भाई बता रहा है हमारा। सब यहाँ पर आप ये बैरिकेड्स थे नहीं, पहले हर जगह आप जाके आराम से बैठ भी सकते थे। उधर ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर्स लगे हैं, पहले तो फाइनली मैं अभी हूँ आगरा में, और जैसा कि आप सबको पता है आज ईद है, और अगर आगरा में आए हैं तो ताजमहल जाना एकदम होता नहीं कि एक रस्म बन चुकी है लोगों की, अगर आप आगरा हैं तो ताजमहल जाना ही जाना है। तो मैं आज ईद के मौके पर जा रहा हूँ मुमताज़ जी से मिलने के लिए। तो फाइनली मैं चश्मा वश्मा लगा के एकदम रेडी हो चुका हूँ और अभी जा रहे हैं। अच्छा, निकलते समय हमसे एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई थी कि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, जिसके कारण धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर आप ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप 7:30-8 तक निकल रहे हैं, अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं। अगर आप ठंडियों में जा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो आपके लिए एकदम मज़े ही मज़े हैं। और आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस व्लॉग के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू। तो धूप में काफ़ी अच्छी खासी धूप हो रही है, और धूप में आते आते यहाँ तक हमारी फट चुकी है, और आगे हमें गाइड करेगा मेरा कज़न मून, क्योंकि वो यहीं का प्रॉपर निवासी है, तो वो आपको मेरे से अच्छे से बता पाएगा कि अंदर कैसा क्या क्या है। मेरा तो सीधा, मैं सीधे मकसद से आया हूँ, कोई फिरंगी मिल जाए, बढ़िया सेल्फी ली जाए, छोटा सा उसको व्लॉग में इंक्लूड किया जाए, ताकि थोड़े और भी व्यूज आ जाए। ठीक है, इसको कोशिश करेंगे एडिट ना करें, ठीक है, ये रॉ जाए, ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मैं आने से पहले मुझे लग रहा था कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया आने का, पर जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे को लगा नहीं, डिसीज़न एकदम सही है। धूप है नो डाउट, पर सनस्क्रीन लगाई हुई है, और मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लगेगा कि जैसे यहाँ पे कुछ फ्री में बट रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो साथ में हमारे भैया भी आए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं ये, हम कोशिश करेंगे इनसे 4-5 शब्द बुलवा लेने का, वो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। बेभाग कहाँ रहे हो, इधर आओ आप, बिल्कुल तुम्हारे साथ ही हूं। हाँ, साथ में रहो आप। तो फाइनली ताजमहल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि बताया जाता है कि ताजमहल का बेस लकड़ियों से बना गया है, ताकि उसके नीचे यमुना जी का पानी रहता है, जिससे वो स्ट्रक्चर नीचे धंसे ना, क्योंकि पानी होने के कारण नीचे की जो मिट्टी होती है थोड़ी दलदली टाइप की होती है, जिसपे इमारत खड़ी करना, कोई भी मॉन्यूमेंट खड़ा करना बहुत ही मतलब मुश्किलों का काम होता है। उस समय के लोग कितना दिमाग है। खैर आगे बढ़ते हैं, वो सारी चुतियापंती करूंगा, पर वो जो चुटकी रख के जो ताजमहल पे फोटो लेते हैं ना, वो चुतियापंती नहीं करनी मुझे, वो मैंडेटरी पोज लोगों ने कर दिया है। लेकिन तो हम कोशिश करेंगे कि मुमताज़ से मिल लें, क्योंकि मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। और भाई लोग यहाँ खुश होते हुए। तो थोड़ा अंदर बढ़ने के बाद हमें एक मोहतरमा मिली, जो किस लैंग्वेज में बात करी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग खुद सुनिए, कमेंट में बताइए कौन सी लैंग्वेज थी ये। çok sevdim, çok beğendim. Türkiye'den geldik. Birçok kültürel benzerlik de var. Sevgiler. Okay? कमेंट में बताइएगा ये मोहतरमा कौन से देश से बिलोंग करती हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो। तो जैसे ही हम लोग ताजमहल के पास जाते गए, वो हमको और बड़ा दिखता गया। लोग ताजमहल के सामने एकदम चींटी के बराबर दिख रहे थे, और उसके सामने का एकदम सुंदर सा गार्डन था। ये जो पानी का तालाब है उसमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है ताजमहल का, तो आप रिफ्लेक्शन के साथ उसका फोटो ले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कैमरामैन विदेशी लोगों को मस्त चूतिया बनाते हैं, फोटो के नाम पे खूब पैसा वसूलते हैं, लेकिन क्या करें, इनका भी घर इसी से चलता है। तो इस गर्मी में भी ताजमहल घूमने के लिए प्रेमी जोड़े की कोई कमी नहीं थी, जहाँ नज़र जा रही थी वहाँ प्रेमी जोड़ा मिल रहे थे, और दिमाग की दही कर जा रहे थे मेरी। खैर आगे चलते हैं। साला प्रेमी जोड़े बहुत आए यहाँ पे, मेरी बहुत किलस रही है। तो अंदर जाने के लिए हम लोगों ने सिल्क ओवर पहन लिए थे, तो जैसे हम थोड़ा सा अंदर बढ़े, हमने देखा है यहाँ से बना नहीं, यहाँ से बनाना मना है। और यहाँ पे मेरी आंखों के सामने मुमताज जी की एकदम सुंदर सी कब्रगाह थी, और उसको एकदम अच्छे से तराश के बनाया गया था, जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगी होगी, नो डाउट, बहुत सुंदर लग रहा था अंदर से ये। और बाहर के तापमान में और अंदर के तापमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जा सकता है यहाँ पे। और संगमरमर के पत्थरों के ऊपर कारीगरों द्वारा इतनी बारीक तरीके से कारीगरी करी गई थी कि जिसको मतलब आप देख के अपने शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हो कि इतना सुंदर लग रहा था बाहर से।
और अंदर से तो और भी सुंदर लग रहा था ये। जैसे कि आप देख रहे हैं जालीदार दरवाजे जो लगे हुए हैं मार्बल को कट करके, इसका मतलब खासियत क्या है, आप बाहर से जाओगे तो आपको कुछ अंदर का दिखेगा, पर आप अंदर से बाहर का एग्जैक्टली क्या बाहर चल रहा है सब देख सकते हो। तो इस समय ताजमहल के अंदर इतना रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं सकते हो। जैसे मैं लोगों ने ताजमहल घूमना कि आपको मतलब होता नहीं कि आप जाओगे वैसे ही अंदर से बाहर आ जाओगे। पूरी बिल्डिंग तो दूर से बहुत बड़ी दिख रही है पर पूरा आपको घूमने को देंगे नहीं ये लोग। मुझे लग रहा है शाहजहाँ के जाने के बाद एक और शाहजहाँ आया होगा जिसने ताजमहल को रिकंस्ट्रक्ट कराया है। इतना मतलब साला नया नया कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। इतने बैरिकेड्स थे, ही नहीं अगला भाई बता रहा है हमारा सब यहाँ पर आप ये बैरिकेड्स थे नहीं। पहले हर जगह आप जाके आराम से बैठ भी सकते थे। उधर ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर्स लगे हैं पहले का, ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये सब जो ये जो देख रहे हैं आप ये फाइबर्स नहीं थे पहले, ये कांच थे। बहुत सुंदर लगता था, अब तो फाइबर्स बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पर मतलब नकली सी कर दी गई है आर्टिफिशियल। तो फाइनली अपना एक मकसद पूरा हुआ, एक फिरंगी के साथ सेल्फी ली अपने ने, ठीक है। दूसरा मेरा एक मस्त वाला ब्लॉग बन गया और इससे ज़्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती थी। तो अभी चल रहा है मेहमान खाने की तरफ जहाँ पे उस समय के रॉयल गेस्ट आके रहा करते थे जो ताजमहल में आते थे, जो रेड कलर की मार्बल से बना हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है ये। और इसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर सी नक्काशी करी गई कारीगरों द्वारा जो कि ताजमहल के एकदम सामने बनाया गया है और उसी के बगल से यमुना नदी बह रही है। पहले धूप में किलस के बाहर आ रहे हैं हम लोग। ताजमहल के नाम पे हमें अंदर से कुछ देखने को नहीं मिला, बस बाहर बाहर से देखने को मिला। इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया देखने के लिए इन लोगों ने, पता नहीं पहले के लोगों ने कैसे आके शूट कर गया, पता नहीं क्या क्या बनाया है। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माने वाली बात नहीं है। और जैसे बाहर आए वैसे हमको भैया मिले ताजमहल के जस्ट थोड़ा सा पहले, जो एकदम ठंडी ठंडी मटका कुल्फी बेच रहे थे जो 20 रुपये की एक थी। और उन्होंने कहा कि हमको वीडियो में प्लीज़ मत लो, हमको लगाना यहाँ पे मना है, तो इसलिए हमने उनको वीडियो में थोड़ा क्रॉप किया गया है। और भैया की ज़बरदस्त हम कुल्फी खा के एकदम मज़ा आ गया और उसके बाद हम लोग थोड़ी बातचीत करी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हैप्पी ईद टू एवरी वन।